आगे से पकड़ो उसको। अरे उल्टा पकड़ो उसको। अच्छा किसके नाम जमीन है ये? हम तो बाप के नाम से बाप खत्म हो गए, तुम्हारे नाम आ गई। अच्छा अच्छा कौन कौन बिरादर आपको? कितनी जमीन है लगभग? 4 बीघा। 4 बीघा तो इसमें जो है क्या जलाए हो तुम? ये थोड़ा बहुत बच गया है जलाने वाला। जनपद में पराली जलाना प्रतिबंधित है जीटी की तरफ से। आज जिलाधिकारी महोदय रूपा कुशनी मिल से लौट रहे थे और विकासखंड बाबू में जो भिठारी गांव है उसके पास उन्होंने देखा कि अगल बगल सड़क के दोनों तरफ किसान पराली जला रहे हैं। मौके पे ही उन्होंने फटकार लगाई और एसडीएम को निर्देशित किए, हमको बताए, हम लोग भी वहाँ पे गए। किसानों को फटकार लगाया गया, डीएम साहब ने उनको डांटा भी और चेताया कि भविष्य में यदि आप गलती करोगे तो आपके विरुद्ध और कठोर कार्रवाई की जाएगी। 5 किसान वहाँ पे थे, 5 पे 12,500 रुपये का जो भाड़ा लगाया गया। आप समझ सकते हैं कि जब जिलाधिकारी महोदय स्वयं सजग हैं और उन्होंने एक पराली जलाने के विरुद्ध अभियान चलाने की कमान स्वयं अपने हाथ में ले ली है और ये संदेश देने का प्रयास हो रहा है कि जो भी किसान पराली जलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यदि मौके पर ही बुला के कि पराली न जलाने तो जो हमारे यंत्र हैं जिससे कि उस पराली को उसी खेत में मिला के अच्छी खाद बनाई जा सके इसका प्रयास किया गया। साथ साथ रोटावेटर चलवाया गया, मर्सर चलवाया गया और उनके सारे जो अवशिष्ट थे खेत में लगा दिया गया। एक आज बड़ी कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय द्वारा जयपुर जिले में कराई गई है। आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा 5 किसानों को पराली जलाते हुए पकड़ा गया और मौके पर ही जो है उनको अर्थदंड 12,500 का किया गया और भविष्य के लिए हिदायत दी गई और मौके पर ट्रैक्टर मंगा करके उनके खेत जुतवाए गए। क्या कारण, किस तरीके की हिदायत दी गई, कैसे हिदायत दी गई? भविष्य में पराली न जलाएं और इस आशय की प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है क्योंकि NGT के रूल्स के अनुसार जो है पराली जलाना है निषिद्ध है, तो इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और यही हिदायत दे करके और जुर्माना वसूलते हुए उनको